ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ते हैं। क्या कहता है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड। देखो भाई, इस क्वेश्चन में पहले तो समझो, यहाँ पर पूछ रहा है एक क्लोज सिलेंडर का सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी हाइट दे रखी है। तो अपन लिख लेते हैं हाइट की वैल्यू 1 मीटर, या तो जो जो चीज़ पता है वो लिखते जाओ पहले। उसके बाद वो पूछ रहा है उसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर है। कैपेसिटी मतलब उस सिलेंडर के वेसल में इतना पानी आ सकता है, 15.4 लीटर कैपेसिटी है उसकी। यहाँ तक बात ठीक है? अब दो चीजें तो आप हमेशा के लिए याद कर लो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और दूसरी चीज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दो चीजें तो इस चैप्टर में सरफेस पे यूज होगी होगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये वाली होगी, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, क्योंकि सारी चीजें मीटर में और लीटर का दे रखा है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर यहाँ पर यूज होगा, तो याद रखो। तो यहाँ पर कैपेसिटी दे रखी है 15.4 लीटर, तो क्यों ना हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हम वॉल्यूम इससे इसलिए इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें चाहिए, ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच, और बताओ क्या होता है, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है बेसिकली क्वेश्चन में, हमें ये सॉल्व करना है। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो हमें आर चाहिए होगा, एक हमें एच चाहिए होगा। तो हमें आर और एच अगर मिल जाए तो हम सॉल्व कर देंगे। तो एच तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 1 मीटर, ये रहा 1 मीटर। आर कहाँ से निकालें, तो आर निकालने के लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि कैपेसिटी दे रखी थी। समझ आ गई बात, हमें फॉर्मूला हमें निकालना ही है टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए आर और एच चाहिए, एच दे रखा है, आर निकालना है। तो आर हम इस वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकालेंगे कैपेसिटी की मदद से। तो देखो कैसे निकालते हैं अभी हम। तो गैस जैसे कि आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो यहाँ पर कैपेसिटी दे रखा है 15.4 लीटर। तो कितने मीटर क्यूब रहा होगा, जितने मीटर क्यूब रहा होगा वही वॉल्यूम रहा होगा। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो 15.4 लीटर कितने मीटर क्यूब होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15.4 को हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, फिर डेसिमल हटाएगा तो हमारा आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब, यानी कि हमारी वॉल्यूम की वैल्यू 0.0154 होगी। उसको हम पाई आर स्क्वायर एच से कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एच की वैल्यू तो दे रखी है, तो वही करते हैं अब हम। समझते जा रहे हो ना क्वेश्चन, आराम आराम से समझा रहा हूँ बिल्कुल। तो गैस देख लो आप, इसको मैंने इक्विवेलेंट कर दिया, वॉल्यूम अभी हमने निकाला कैपेसिटी वाली मदद से, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर वाली हेल्प से, और इसको फॉर्मूले में डाला वॉल्यूम की जगह और पाई आर स्क्वायर एच डाल दिया, एच की वैल्यू 1 दे ही रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे हम। तो पहले तो डेसिमल हटाया, 4 0 आ जाएगा नीचे, 4 0 चार ही है ना, हाँ अच्छा, ये 22 से 7 टाइम्स जाएगा 154 डायरेक्टली। तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 0 है ना, ये स्क्वायर में है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.7, यानी 0.07 हमारी आर की वैल्यू आ गई, जो कि मीटर में। अब देख लो, अब हमारे पास एच तो था ही, आर भी मिल गया हमें 0.07। अब हमारा वो जो टोटल सरफेस एरिया वाला जो फॉर्मूला है वो हम निकाल लेंगे। और टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है कि भाई उस सिलेंडर को, उस वेसल को बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर की शीट चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। ये दोनों है, आर भी है एच भी है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, नीचे कमेंट में बताना क्या है आंसर। ठीक है, कर लोगे ना आप तो वैल्यू पुट फॉर्मूले में, बस आर और एच की वैल्यू आपको पता चल गई, डालो और आंसर निकालो। नेक्स्ट देखते हैं।